स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट दे रखा है मुझे, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट वर 540, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेंड करे बच्चे ने वो कितने हैं? 540 हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर करे हैं? और यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में कि फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। देखिए जो 540 मार्क्स बच्चे ने स्कोर करे वो जो भी सब्जेक्ट में उसने 540 मार्क्स, तो उसके टोटल मार्क्स हैं। साइंस में जितने करे, हिंदी में कितने करे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जितने भी उसके नंबर हैं उसको मैंने क्या कर रखा है, 360 डिग्री पाई चार्ट में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हिंट में आपको कहा गया है कि 540 मार्क्स जो हैं, ये जो 540 मार्क्स हैं, 540 मार्क्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, या ये पाई चार्ट में 540 मार्क्स मैंने जब पाई चार्ट में शो करे तो ये 360 डिग्री का जो मेरा पाई चार्ट बना वो 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरा 1 मार्क्स है, अगर मैं यहाँ से समझने की कोशिश करूँ तो 1 मार्क्स जो है मेरा वो 360 डिग्री अपॉन 540 होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 मार्क्स मेरा, इसको और लोएस्ट फॉर्म में लूँ तो 6636, 6954 और 326, 339। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स जो है मेरा वो 2/3 डिग्री, 1 मार्क्स का मतलब है 2/3 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं डिग्री में को भी यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ से देखिए मार्क्स को मैंने कर लिया कि 1 मार्क्स मेरे 2/3 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है इसमें। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं देखूँ तो 540 मार्क्स जो है मेरे, 540 मार्क्स का मतलब है 360 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ, कि 1 डिग्री की बात करूँ, तो 1 डिग्री जो है मेरा वो है मेरा 540 अपॉन 360। और अगर यहाँ से आप देखिए तो 6 9 4 6 6 36 और ये आपका 3 3 9 3 2 6, ये मेरा 1 डिग्री का मतलब हो गया 3/2 मार्क्स, 3/2 मार्क्स ये 1 डिग्री को, 1 डिग्री का मतलब है 3/2 मार्क्स। मैंने ये क्यों निकाला, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्यों निकाल रखे हैं मैंने ये। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब अगर मैं 105 मार्क्स से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 मार्क्स इतना 105 मार्क्स, 105 मार्क्स का मतलब हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करते चलूँ तो 105 मार्क्स का मतलब हुआ बच्चों 105 इंटू 1 मार्क्स इतने डिग्री के बराबर, तो उसका मतलब 2/3 डिग्री। अब ये डिग्री की बात हो रही है, अब यहाँ से आप देखिए 3 3 9, 3 5 15, ये आपके पास हो गया 35 इंटू 2 का मतलब हो गया 70 डिग्री। तो उसने कहा था कौन से सब्जेक्ट में जो है 105 मार्क्स जो हैं, यहाँ पर आपको पूछा गया था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट में? 70 डिग्री को। तो यहाँ देखिए 70 डिग्री का मतलब है हिंदी, तो इसमें हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले? 105 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है आपसे, पहला तो हमने सॉल्व कर दिया कि हिंदी में 105 मार्क्स है जिसका मतलब है 70 डिग्री। सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। मैथ्स में उसके नंबर, मैथ्स में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अगर मैं मैथ्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 डिग्री का मतलब है 3/2 मार्क्स, 1 डिग्री का मतलब है 3/2 मार्क्स। 90 डिग्री का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री का मतलब होगा 90 इंटू 3/2 मार्क्स, और यहाँ से यहाँ देखिए तो ये हो गया आपका 45। आप इसे मल्टीप्लाई 3 5 15, 3 4 12 और 135 मार्क्स, ये आपका हो गया 135 मार्क्स, क्योंकि मैथ्स में 90, तो इसका मतलब मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले हैं? मैथ्स में मिले हैं उसको 135 मार्क्स। आप समझ रहे हैं, मैंने डिग्री से मैं मार्क्स भी निकाल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कन्वर्ट कर रखा है, इसके बीच में रिलेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 मार्क और 1 मार्क इज इक्वल टू 2/3 डिग्री। ये 2/3 डिग्री भी आप इसे लिख सकते हैं, ये डिग्री का मैंने साइन भी कर रखा है। तो देखिए आप सेकंड वाले में पूछ रहा था वो आपसे कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी, तो आपको यहाँ से पता चल गया मैथ्स में कितने हैं उसके। यहाँ से लिख सकता हूँ मैथ्स में जो हैं,
इन मैथ्स मैथ्स में स्टूडेंट स्कोर्ड स्कोर्ड स्टूडेंट ने यहाँ पे कितना स्कोर्ड किया, 135 मार्क्स। इन हिंदी यहाँ पे भी आप, इन हिंदी स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया था, हिंदी में पहले ही बता रखा था 105 मार्क, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया था। इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, और डिफरेंस आप देखिए इसका मोर मार्क्स है, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन मार्क्स की अगर मैं बात करूं, जो डिफरेंस है मार्क्स में वो आपके पास कितना है, वो 30 मार्क्स का है। तो कितने ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ्स में, उसके जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से। तो ये इसका हो गया सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन सोशल साइंस। अब सोशल साइंस को भी देख लीजिए, सोशल साइंस में यहाँ पर, सोशल साइंस में 65 डिग्री है, 65 डिग्री से मैं मार्क्स निकाल लूँगा सोशल साइंस के। मैं सोशल साइंस के मार्क्स को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखिए सोशल साइंस में 65 डिग्री है, तो डिग्री जो है मेरे पास इन सोशल साइंस, जो डिग्री दे रखी है सोशल साइंस में, यहाँ पर जो पाई चार्ट में है मेरे पास, वो है सोशल साइंस में जो डिग्री दे रखी है वो है 65 डिग्री। अब आप जानते हैं कि वन डिग्री जो है मेरी, वन डिग्री इज इक्वल टू, अभी मैंने वन डिग्री को निकाला था कि वन डिग्री जो होती है मेरी वो 3/2 मार्क्स के बराबर होती है, 3/2 मार्क्स के बराबर होती है। तो यहाँ से 65 डिग्री का मतलब हो गया 65 इंटू 3/2 मार्क्स, 65 डिग्री है मेरा, तो 65 डिग्री का मतलब 65 इंटू 3/2 मार्क्स, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसे, तो यह 3/5 = 15, 3/6 = 18, 119, 195 अपॉन 2, और आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 195 अपॉन 2 का मतलब हो गया 2/9 = 18, 2/7 = 14, तो सोशल साइंस में जो उसको नंबर मिले वो है 97.5 मार्क्स, सोशल साइंस में जो नंबर है वो है 97.5 मार्क्स। और आपसे पूछा गया था सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन सोशल साइंस एंड मैथ, तो जो सम है, और इसी तरीके से साइंस के मार्क्स में निकाल लेता हूँ मैं, तो डिग्री जो है साइंस में, साइंस में जो पाई चार्ट के अंदर जो डिग्री मुझे दे रखी है वो दे रखी है 80 डिग्री, तो जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स मेरे निकल जाएंगे, 1 degree = 3/2 मार्क्स, तो 80 × 3/2 मार्क्स 240, और यहाँ से मेरे पास मिल गए मेरे को 120 मार्क्स। किस में है ये, साइंस में है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो सम है, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड मैथ, तो सम कर लेता हूँ मैं, पहले सम कर लेता हूँ, सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स, वो आपके पास दोनों का जो सम है सोशल साइंस और मैथ्स का, वो आपके पास है सोशल साइंस और मैथ्स का, सोशल साइंस में आपको 97.5, मैथ्स में आपके पास है नंबर 135, तो ये 0.5, 7, 5, 12, 9, 10, 13, 232.5। इसी तरीके से मैं सम अगर करूं साइंस और हिंदी का, तो साइंस प्लस हिंदी, तो साइंस में है मेरे पास 120 और हिंदी में है मेरे पास 105, जो कि हो जाते हैं, अगर मैं इसे देखूं तो ये हो गया 225। तो ज़्यादा मार्क्स किस में हैं, ज़्यादा मार्क्स उसके हैं सोशल साइंस और मैथ्स में, ठीक है।